जय सियाराम, वह कौन सा कारण है कि रामायण से संबंधित जो भी फिल्म अथवा धारावाहिक बने उनमें श्री रामानंद सागर का रामायण ही सबसे अधिक पसंद किया गया और आगे भी किया जाएगा? ऐसा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे माँ कामाख्या और महावतार बाबा का आशीर्वाद छिपा है। आइए जानते हैं कि श्री रामानंद सागर को माँ कामाख्या और महावतार बाबा के दर्शन से कैसे इस दिव्य धारावाहिक रामायण को बनाने की प्रेरणा मिली। बात 1970 की है, जब रामानंद सागर जी फिल्म ललकार की शूटिंग के लिए गुवाहाटी में थे। फिल्म निर्माण से पूर्व फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर शंकर लाल गोयनका उनको और उनके पुत्र प्रेम सागर को लेकर विश्वविख्यात माँ कामाख्या के मंदिर जाते हैं। अभी दर्शन करके ही निकले थे कि एक छोटी सी कन्या रामानंद सागर जी के पास आती है और उनसे कहती है कि आपको उधर पेड़ के नीचे बैठे बाबा बुला रहे हैं। सुनते ही रामानंद सागर जी पेड़ के पास जाते हैं और बाबा से पूछते हैं कि आपने मुझे बुलाया था बाबा? किंतु बाबा उनकी ओर एकटक देखते हैं और काफी देर तक देखने के बाद भी कुछ बोलते नहीं है। रामानंद सागर जी की कई बार पूछने के बाद भी जब बाबा कुछ नहीं बोलते हैं तो रामानंद सागर जी वापस आ जाते हैं और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो जाते हैं। 10 वर्ष बीत जाते हैं इस घटना को। 10 वर्ष के बाद रामानंद सागर जी उत्तराखंड में गंगा तट पर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कि अचानक मौसम बिगड़ जाता है और तूफान के साथ बारिश आ जाती है। खराब मौसम को देखते हुए फिल्म सेट का स्टाफ पास का कोई सुरक्षित स्थान खोजने लगता है तो पास ही एक कुटिया दिखती है जहां पर एक बाबा रहते थे। जब स्टाफ ने उनसे वहां रुकने की आज्ञा मांगी तो फिल्म वालों का नाम सुनते ही बाबा ने मना कर दिया, किंतु बाद में डायरेक्टर रामानंद सागर का नाम सुनते ही उनका व्यवहार बिल्कुल शांत हो जाता है और वो फिल्म सेट के स्टाफ को अपनी कुटिया में शरण दे देते हैं। अचानक वो बाबा रामानंद सागर जी से 10 वर्ष पूर्व कामाख्या मंदिर में घटी घटना के संबंध में पूछते हैं। यह सुनते ही वो चौंक जाते हैं क्योंकि उस घटना की स्मृति भी वो लगभग भूल चुके थे, किंतु बाबा के पूछते ही उनको सारी बात याद आ जाती है और साथ ही आश्चर्य भी होता है कि इनको कैसे पता। तब बाबा जी कहते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर में जो कन्या आपके पास आई थी वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ कामाख्या थी और जो संत आपको पेड़ के नीचे बैठे दिखे थे वो महायोगी महावतार बाबा थे। महावतार बाबा यूं ही किसी को दर्शन नहीं देते हैं, जरूर कोई महान कार्य होगा जिसे वो आपके द्वारा पूर्ण करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कार्य स्वयं महावतार बाबा ही बता सकते हैं। यह सुनते ही रामानंद सागर जी के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही और वो बाबा से पूछते हैं कि महावतार बाबा कहाँ मिलेंगे। इस पर बाबा ने कहा कि उनका पता तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन सुना है कि बद्रीनाथ जी की आरती में वो जरूर आते हैं। बस फिर क्या था, रामानंद सागर जी अपने बड़े पुत्र को लेकर बद्रीनाथ पहुंचते हैं और आरती समाप्त होते ही पुजारी जी उनको प्रसाद देते हैं, लेकिन प्रसाद रामानंद सागर जी के हाथों से छूट जाता है। लेकिन प्रसाद के नीचे गड़ने से पहले ही एक बाबा अचानक आते हैं और प्रसाद को अपने हाथों में लेकर उसे ग्रहण कर लेते हैं और सागर जी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामानंद सागर जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो मंदिर के बाहर आ जाते हैं जहां पर उनको राम बाबा नामक संत मिलते हैं और कहते हैं कि आप आश्चर्य और भय में मत पड़िए, आपको अभी अभी महायोगी महावतार बाबा के दर्शन हुए हैं। बाबा चाहते हैं कि आप फिल्मों का निर्माण छोड़ दें और वो आपसे एक आध्यात्मिक कार्य करवाना चाहते हैं। आप रामायण धारावाहिक का निर्माण कीजिए, इससे आप मानव जाति में आध्यात्मिक चेतना जागृत करेंगे और विश्व विख्यात होंगे। इस घटना के बाद रामानंद सागर जी ने ऐलान किया कि वो फिल्म निर्माण छोड़ रहे हैं और 1 वर्ष के भीतर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए रामायण धारावाहिक का निर्माण प्रारंभ किए और महावतार बाबा की कृपा से विश्वव्यापी प्रसिद्धि पाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय सियाराम।